ये भैया उसको नट विकास रहा है इसके अंदर। क्या भैया कैसे हैं आप लोग, काम करने मजा आ रहा है? कब तक फाइनल कर देना है इसको? अब हम पहुंच चुके हैं महात्मा गांधी सेतु पुल पे 2021 न्यू अपडेट लेकर के। सो हेलो गाइस, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज का ब्लॉग वीडियो है महात्मा गांधी सेतु पुल, जो कि हम वहां पे अभी पहुंच चुके हैं। और यहां पे क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, कितना काम होना बाकी है। पूर्वी साइड अभी तोड़ करके बनाया जा रहा है और पश्चिमी साइड बन करके पिछले साल ही तैयार हो चुका है। सो इस पुल के बारे में जानते हैं कि कब तक तैयार होता है और कितना दिन में बनता है। तो बने रहिए आप लोग चैनल पे, और प्लीज मेरे चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब करो यार। पीछे आप लोग देख सकते हैं ये पुल बना हुआ है, और चलिए दिखाते हैं आप लोगों को। सो दोस्तों देख सकते हैं कि पूर्वी साइड तोड़ करके बनाया जा रहा है, और 11 महीने पहले छठ इसी समय के आसपास में पिछले साल पश्चिमी साइड वाला हिस्सा तैयार हुआ था। देख सकते हैं आप लोग पूरा काम चल रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बुलडोजर ये देखिए, और वहाँ पे भी, और रात को भी काम चलते हैं। ये पुल जो है महात्मा गांधी सेतु पुल, ये आज से 40-50 साल पहले बना था कि 100 साल तक चलेगी, बट 100 साल नहीं चली, खराब हो गया, इसलिए फिर से दोबारा इसको हाईटेक ओवर मतलब पुल के तरह इसको बनाया जा रहा है ताकि जल्दी खराब ना हो। देख सकते हैं आप लोग पूरा बहुत खतरनाक इस पे काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा ये पुल, खास करके पहले ये तो बहुत ज़्यादा हाईटेक और बहुत मजबूत है, बहुत खतरनाक है। इसके अंदर जाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को, ये बन रहा है पूरा दिखाएंगे आप लोगों को। बस आप लोग देखिए, सर से पूछेंगे कि कितना काम बाकी है अभी और कितना काम होना है, बहुत तगड़ा बना हुआ है ये। सो गाइस अभी हम है नया वाले महात्मा गांधी सेतु पुल पे, गांधी सेतु पुल पे देख सकते हैं आप लोग इस पे चल रहे हैं, और इस पुल के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब तक तैयार होगी और कितना कंक्रीट हो चुका है, कितना बन चुका है। तो देखिए ये पटना सिटी, मतलब ये पहले तो ये दिखा देते हैं कि ये पटना के तरफ है, पटना के तरफ हाजीपुर इस साइड हो जाएगा, बट ये पटना के तरफ है। बन करके लगभग ये लगभग 60% पुल बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फास्ट, बहुत ज़्यादा ये मजबूत वाला काम हो रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत ही ज़्यादा तगड़ा काम हो रहा है। इसके जो ये लोहे जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मजबूत है, और आप लोग देखिए कि ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे औजार, इन लोगों का काम करने वाला सामान है, मशीन है, इसी से काम करते हैं ये लोग। बाकी वहाँ पे अभी काम चल रहा है, ये अभी पटना का स्टार्टिंग है, बीच में थोड़ा गैप है, लेकिन वो जो दिख रहा है आप लोगों को, ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे बहुत सारा काम हो चुका है। तो गाइस इस पुल में, महात्मा गांधी सेतु पुल नया वाला में, न्यू में, इसमें 46 पाया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम अभी पटना के तरफ से पहले पाया नंबर पे, पहले पे हैं, और दूसरा पे काम लगा हुआ है, और हाजीपुर के उस साइड से भी लगभग बहुत सारा काम हो चुका है। तो ये आप लोग इससे अंदाजा लगाइए कि कितना मजबूत पुल बन रहा है। ये पुल पता नहीं कितना साल चलेगी, बट बहुत अच्छा बन रहा है, बहुत मजबूत बन रहा है ये। इसका आप लोग लेन देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत है, जो टूटने की बहुत संभावनाएं कम है। इसको भी देखिए, बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो ये रिंच है, सलाई रिंच, इसका साइज देख सकते हैं, मतलब मेरा हाथ के कंगन जितना बराबर है, उतना बड़ा साइज है इसका, और बहुत कुछ कुछ सामान है, बहुत कुछ कुछ है। और ये पटना पीपर पुल बह करके साइड हो चुका है, अभी इस साइड आ चुका है, बाकी अभी काम इसमें बन रहा है, चल रहा है, आप लोगों को बहुत जल्द तैयार होकर के देखने को मिलेगा। और ये जाला इसलिए लगाया हुआ है कि इस पे काम करते समय जो काम कर रहे हैं, जो जो सर लोग काम कर रहे हैं, वो लोग गिरे तो इसमें बच सके। और ये देखिए, ये भी एक ये जोड़ा गया है, और ये जोड़ा गया है रॉड, तो इससे मजबूती का पता चलता है कि कितना ज़्यादा मजबूती है। बाकी तो आप लोग इसमें इतना ज़्यादा नट बोल्ट, अभी तो बहुत ज़्यादा काम बाकी है, बाकी इसमें दिन रात हमेशा काम चल रहा है। बाकी सामान उस पर आती है, इस वाले चीज़ पे, बोर्ड पे, इस पर आती है, और इससे टांग करके इस पर पहुँचाते हैं, इस पर पहुँचाने का काम करते हैं। और ये देखिए भाई साहब इसके अंदर काम करके अपना फिल्म देख रहे हैं, ये लोग जो काम करते हुए दिख रहे हैं ना, इन लोगों का रात का भी पूरा सीन आप लोगों को दिखा देंगे। और देखिए एक भाई सब ऊपर चढ़े हुए हैं, इस पर चढ़े हुए हैं। तो इन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और आप लोग बताइए कि कैसा पुल बन रहा है, कमेंट में करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। देखिए इस पुल में, महात्मा गांधी सेतु पुल का ये जो नया वाला बन रहा है, इसमें वो जो वहाँ से आप लोग देख रहे हैं, वहाँ से लेकर के यहाँ तक एक पार्ट, एक भाग, और यहाँ से लेकर के फिर दूसरा भाग वो जो लास्ट बन रहा है, हाजीपुर के तरफ से कम बहुत सारे पाया बन चुका है, लगभग 8-10 पाया बाकी है, और ये सारा काम तकरीबन 10-11 महीने में हुआ है। और मुझे उम्मीद है, पता चला है कि कम से कम अभी 10-11 महीने लगेंगे,
तब तक इस पे भी गाड़ियां दौड़ने लगेगी, जैसे कि उस पे गाड़ियां दौड़ रही है पश्चिमी वाली लाइन पे। और बाकी चलते हैं आगे, उधर आप लोगों को दिखाते हैं, सब लोग में आप लोग बने रहिए। तो आगे चलते हैं, उधर आप लोगों को चल के दिखाते हैं, बट आप लोग बने रहिए। उससे पहले ये बहुत ज्यादा खतरनाक है जाने में, देख सकते हैं ये कैसे जाना होगा। हमको यहाँ रखेंगे, फिर अगर यहाँ से बेटा गिरे तो फिर तो काम खत्म। ये देखिए पूरा आप लोग देख रहे हैं कितना खतरनाक काम हुआ है। ये पूरा फिनिशिंग हो चुका है, जो ये पश्चिमी लाइन है ये चल रही है। और ये रोड देखिए कितना मोटा है, बाप रे बाप। सो अभी बहुत ज़्यादा ये खतरनाक है और अब हम इस पे आ गए। ये देखिए तो गाइस अभी हम पुल पे और पाया नंबर 1 के 5 जो ये बना हुआ है मैं वहाँ पे हूँ। आगे चल के दिखाते हैं और इसमें कितने लेबर काम कर रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं वो आप लोगों को बताते हैं। देखिए अभी ये काम चालू है, काम इसमें। और ये नीचे पटना पानी पुल है, गांधी सेतु पुल, अभी दूसरा पूर्वी भाग बन रहा है और यहाँ पे लेबर लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। उनसे मिलवाएंगे आप लोगों को, दिखाएंगे। देखिए भाई साहब यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें तकरीबन बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। देखिए भैया लोग काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ी से। इन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये लोग बहुत तेज़ी से काम करते हैं। और तकरीबन इतना काम हमको लगता है कि 10 महीने में ये सब काम हो चुका है, 10 महीने के अंदर काम बन चुका है। तो भैया लोग पूरा मुस्कुरा रहे हैं, पूरा देख रहे हैं। हाँ ये लोग करवाते हैं, इन लोगों से पूछते हैं। ये आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि इतना जल्दी, कितना दिन में ऐसा बना दिया आप लोग। अच्छा अभी कितना काम बाकी है, कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगी? आपकी आवाज नहीं आ रही है, रुक जाइए। तो ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। क्या भैया कैसे हैं आप लोग, काम करने मजा आ रहा है? कब तक फाइनल कर देना है इसको, कब तक पूरा फाइनल कर देना है इसको? 6-7 महीना, 6-7 महीना कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा चलिए। और भाई लोग सब कोई काम कर रहे हैं यहाँ पे, लगभग इसके अंदर कम से कम 250-300-400 के आसपास इसमें आदमी काम कर रहे हैं, तभी जा करके ये मुमकिन हो पाया है। और भैया लोग पूरा बारीकी से काम कर रहे हैं, बाप रे बाप, बहुत गर्दा काम कर रहे हैं। ये देखिए कैसे भैया झूला पे बैठ के ये लोग काम कर रहे हैं, ये लोग देखिए आप लोग, बहुत खतरनाक। और उस पे सामान आती है उस वाले पे, और तब जाके उससे इस पे आता है, इधर आता है, उसके बाद इस पे काम होता है। कुछ आगे नजारा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे काम, उस पे सामान आती है और उस बुलडोजर से ऊपर में चढ़ाया जाता है। बाकी ये काम हो रहा है, इस पे बना रहे हैं लोग और बहुत तेजी से जल्दी काम हो रहा है। तो जल्दी उम्मीद है कि ये लोग बहुत जल्दी काम करके वापस बना के इस पे भी गाड़ी चलेगी, जैसे कि इस पे चल रही है। ये सब हाजीपुर से गाड़ी आ रही है बहुत जल्दी जल्दी, और ये जब से बना है ना तब से उतना जाम नहीं लगती है। देखिए भैया उसको नट अभी कस रहे हैं, इसके अंदर काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। ड्राइव जो बन रहा है पटना में, ये उसका कुछ सीन है। देखिए आप लोग ये जो बन रहा है, ये मरीन ड्राइव का सीन है। ये बुलडोजर इतना बड़ा, देखिए उससे इस पर पहुँचाया जाता है और यहाँ से पुल शुरू होता है बनना। सो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से अपडेट मिला होगा। और जो बन रहा है पुल, पूर्वी साइड है ये, पश्चिमी साइड गाड़ी चल रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो, क्योंकि मैं पूरा ऑल ओवर बिहार का चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा धीरे धीरे। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये देखिए ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये पटना घाट है और इस साइड भी है। तो छठ पूजा आने वाली है और छठ पूजा का पूरा यहाँ पे जो भी होता है होगा, पूजा होगा कि नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, कब होगा और कैसा घाट सजावट होगी, घाट पे कैसे पूजा होगा, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये मेरा वीडियो महात्मा गांधी सेतु पुल जो 2021 में जो बन रहा है पुल, आप लोग देख सकते हैं। इसका वीडियो ब्लॉग आप लोगों के सामने रहा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो मेरा बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज यार चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि बिहार में जो ये महात्मा गांधी सेतु पुल बन रही है कैसा बन रही है, कैसा लगा आप लोगों को ये जरूर बताना आप लोग। ये देखो ये सारा सामान यहाँ पे आती है गाड़ी से और यहाँ से ओवरलोड होकर के सब बनती है। ओवरलोड होकर के बोट उस पर जाती है, उस पर से ऐसे ऐसे बोट लेके जाया जाता है और इन सब चीज़ों से ऊपर पहुँचाया जाता है इन सब चीज़ों के द्वारा। सो देख सकते हैं आप लोग काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम चल रहा है। और उम्मीद है, उम्मीद ही नहीं, जैसे वो लोग बोले कि 6-7 महीने में ये भी पुल, इस पर गाड़ी दौड़ना शुरू हो जाएगी। तो
तो मेरे ब्लॉग वीडियो का आप लोग ऐसे ही प्यार आशीर्वाद बना के रखे और बहुत अच्छा आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, और बाय, मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।